मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाता हूँ। आंटी, ये मेरी दोस्त है कोमल। खुशामदीद कोमल। हेलो, आप कैसी हैं? फिलहाल ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। तुम बैठो ना, खड़ी क्यों? जी आंटी, आज कैसी है तबीयत अम्मी की? बेहतर है, थोड़ी देर पहले सोई है, बस थोड़ी देर में उठा देंगे इन्हें। उन्हें कोमल से मिलना था। अरे नहीं, सोने दीजिए इनको। अरे नहीं, उनकी दवा का भी वक्त हो गया है। वैसे आज बेहतर लग रही हैं ये। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बेहतर लग रही हैं। वैसे आदिल से कब मुलाकात हुई तुम्हारी? तुम दोनों कब से साथ हो? हम बस अच्छे दोस्त जी हैं। हाँ आंटी, कोमल मेरी दोस्त है। मुझे लगा अम्मी से मिलवाने लाए हो। नहीं नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। यकीनन फिर तुम खास दोस्त होगी, क्योंकि आदिल अपनी फैमिली से किसी को मिलवाने में जरा मोहतात रहता है। ये आज तक किसी को घर नहीं लाया है, और इसने अपनी अम्मी या मुझसे आज तक किसी को नहीं मिलवाया। आंटी, कोमल मेरे लिए बहुत खास है। तो खाना बदोशी हमारा मुकद्दर है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हम लोग बिल्कुल खाना बदोशों की तरह हो गए हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है हमारा। यार आमिर, सिर्फ ये बात नहीं है, ठहराव नहीं है हमें। जब घर में होते हैं तो किसी मिशन में होते हैं, मिशन के बाद हम लोग किसी जेल में पाए जाते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं तो किसी और के घर में रहना पड़ता है। क्या हो रहा है हमारे साथ? हाँ, बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि आखिर हम लोग की परेशानियों में क्यों घिरे रहते हैं। पता नहीं यार, मैंने तो ये भी देखा है कि जब हम दोनों साथ होते हैं तो हमसे कुछ ज्यादा ही गलतियाँ होती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, उम्मीद है कि अब कुछ बुरा ना हो। बात सुनो, इधर देखो जरा, कोमल और तुम्हारा क्या बना? क्या मतलब क्या बना? तुम कोई उल्टी बात मत करना मेरे साथ। ऐसा तो मत कहो यार, बाहर आते ही उससे मिलने चले गए। आमिर, मैं इसलिए मिलने गया था क्योंकि वो मुझसे जेल में मिलने आई थी। अच्छा तो ये बात है। आमिर मेरी आपा की तरह बातें मत करो, अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो अभी तक डरा हुआ कि कहीं उस्मान जेल से निकल के हमारे पीछे न लग जाए। कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। बात सुनो मेरी, अगर ऐसा हुआ ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ना करे। मैं आ गई, ये ले पी ले। ये क्या है? ये मेरी बनाई हुई खास तरकीब है, इसमें मैंने तमाम मुफीद चीजें मिलाई हैं। अरे वहाँ के खाने से तो आप लोग कमजोर हो गए। अच्छा चले पी ले। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये क्या बनाया है आपने? ये तो अलग से नीचे ही नहीं उतर रहा, क्या डाला इसमें आपने? जिस चीज का जायका अच्छा नहीं होता वो उतनी ही मुफीद होती है। चले चले पिए। ठीक है ठीक है, आप जाएं, हम लोग पी लेंगे। हाँ। अभी पिए। लगता है इस घर में हर कोई नफ्सियाती हो चुका है। लेकिन ये आप लोगों को रोज पीना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब आदमी पानी पीता है और अमीर कुछ भी। हाँ। पी जाता है। पीना पड़ेगा। इंगन साहब के कपड़ों के लिए मूसा साहब की टीम आने वाली है, जैसे ही वो लोग यहाँ पर आ जाए मुझे बता देना आकर। ठीक है। ये क्या है? ये मेरे कमरे का क्या हाल किया हुआ है? मैं माफी चाहती हूँ मैडम। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। मैंने आपका शेड्यूल आपकी टेबल पे रख दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, देख लेती हूँ, वो लोग जैसे ही आ जाए बता देना। ठीक है मैडम। कहाँ रह गई थी तुम? यही थी मैं तो। खानदान क्या चल रहा है, कुछ हुआ है क्या? मैं आज देर से आई हूँ तो यकीनन मेरे पीछे कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा ऑफिस में। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि मेरे बगैर इतनी बड़ी कंपनी को संभालना मुश्किल काम है। अगर तुम्हें भी मेरी किसी किस्म की मदद चाहिए तो बता दो, मैं कर दूंगी। मेरा मतलब है कि जो चीजें तुम्हें समझ में ना आए वो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मिसाल के तौर पर मैं ये कैसे करूंगी आलिया, ये काम नहीं हो रहा, तो उसमें मैं तुम्हारी रहनुमाई कर दूंगी। देखो आलिया, क्या तुम ये बताना चाह रही हो कि तुम्हारे बगैर इस कंपनी में काम नहीं हो सकता? तो यकीन करो, देखा जाए तो इस कंपनी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, अगर मेरे बगैर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे देर से आने पर तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें फिर? मेरा भाई बहुत ही शरीफ और मासूम इंसान। हाँ। है। अगर मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ एडवाइजर रखा है तो क्या तुम्हें यहाँ टाइम पर नहीं आना चाहिए? अगर मैं देर से भी आती हूँ तो अपना काम पूरा कर देती हूँ मैं, तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आ जाएं। मैडम मूसा साहब और उनकी टीम आ गई है। ठीक है, ऐसा करो उन्हें इंगन साहब के कमरे में लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है मैडम। खानदान अगर बुरा ना मानो तो अब मैं काम करने जा रही हूँ, और बेहतर होगा कि तुम भी जाकर काम करो। अगली दफा अगर बताकर आओगी तो साथ में कॉफी पी लेंगे। बाय बाय।
हेलो। हाँ, खुशामदीद। वो असल में मैं अलहान साहब से मीटिंग थी पहले। मैं जानती हूँ, लेकिन इस मीटिंग से भी ज्यादा कुछ अहम चीज है। और क्या है वो? तुम्हें याद होगा कि मैंने मूसा साहब का जिक्र किया था तुमसे। ज्यादातर बिजनेसमैन के कपड़े वही बनाते हैं। तो आज तुम्हारा नंबर है। क्या मेरा? तुम्हें सर से लेके पांव तक बदलना जो है एंगिन। इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी वैसे। जरूरत थी। आ जाए। आलिया साहिबा। मूसा साहब, कैसे हैं आप? ठीक, बहुत शुक्रिया। इनसे मिलिए, ये हैं एंगन साहब। आज आप इनके लिए ही यहाँ आए हैं। हेलो एंगन साहब। मिलकर अच्छा लगा मूसा साहब। हाँ तो मूसा साहब, आप अपने साथ सैंपल्स लाए हैं ना, जैसा कि हमारी बात हुई। जी, मैं कुछ सूट्स के सैंपल्स लाया हूँ अपने साथ। नाइस। सबसे बेहतरीन कपड़े मुंतखब करेंगे। और एंगन साहब की जो शर्ट्स होंगी उनके बाजुओं पर कफलिंग्स भी जरूर होनी चाहिए, और मुख्तलिफ रंगों की टाइज भी। मैं चाहती हूँ कि किसी भी चीज की कमी ना रहे, समझ रहे हैं ना आप? और हर शर्ट के रंग के हिसाब से घड़ी भी होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन को कैसा दिखना चाहिए, ये बात ज़हन में रखिएगा। अरे आलिया, मैं तो सादे से कपड़े पहनने का आदमी। खैर, तुम पहले इसे ट्राई तो कर लो एंगन, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करना जरूरी है। ठीक है, बस 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट? कोई बात नहीं, आइए प्लीज। तुम जानते हो मेरे भाई को ख्यालों में हीरो बनाने का सोच रही है। जी हांदान साहिबा, मैं जानता हूँ। हमें भी इस बारे में कुछ करना होगा। आप बता सकते हैं कि आपके जहन में क्या चल रहा है? पता नहीं, क्या किसी हजाम को बुलाना चाहिए? मैं अभी बुला लेता हूँ, लेकिन मशहूर हजाम फौरन आते हैं या नहीं ये मालूम नहीं। जमाल, मेरा भाई ये नहीं जानता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। हम किसी को भी बुलाकर बोल देंगे ये अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा लगे कि आलिया ही सब कुछ कर रही है और मैं कुछ नहीं कर रही। खानदान साहिबा, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। आलिया साहिबा कंपनी में अपनी जगह बनाने के लिए एंगन साहब को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप उनकी बहन हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अपनी बहन से 20 साल बाद मिला है। जमाल, मेरा मसला दूसरा है। अगर ये सब करने के बाद मेरे भाई को आलिया पसंद आ गई तो फिर क्या होगा? मैं बताती हूँ तुम्हें जमाल के क्या होगा। आलिया भाई से शादी कर लेगी और उसका सारा पैसा खा जाएगी। ठीक है, मैं हजाम को बुलाता हूँ। हाँ बुलाओ जल्दी। हाय हाय हाय, देखो मेरा शहजादा बेटा स्कूल से आ गया। हाँ मेरी जान, आ जाओ मेरे पास। देखो कौन आया है तुमसे मिलने के लिए। तुम जानते हो ना इन्हें? देखो, तुम इनसे वीडियो कॉल पे बात करते थे ना, ये तुम्हारी ज़ैनब खाला है। ज़ैनू। हाय हाल जान, देखो तो जरा कितना बड़ा हो गया है। आ जाओ हाल जान, बिल्कुल तुमसे मिलता है। मैं अंदर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बता दीजिए। ठीक है, सारे लग रहे हो तुम। हालिद जान, आप स्कूल जा रहे हैं, मजा आता है आपको स्कूल में? बहुत मजा आता है। जबरदस्त। तो आपके दोस्त का नाम क्या है, बताएंगे मुझे? आलिया। वो तो तुम्हारी यहाँ पर दोस्त है ना, स्कूल में जो दोस्त है उनका नाम बताओ। देखो जरा इसे। लैला। और दूसरा? मिनाहिल। देख रही हो ना, कोई लड़का इसका दोस्त नहीं है। सारी आदतें बाप की आई हैं इसमें। खुदा ना करे। खालिद जान, माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हो तुम। आज बेहतर लग रही हैं आप। तुम्हें देखते ही मैं ठीक हो जाती हूँ। अम्मी, कुछ चाहिए आपको? मेरी मदद कर दो। आए, मैं मदद कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम बैठ जाओ, आसिया मदद कर देगी। आसिया को थोड़ा आराम करने दें, हम हैं ना यहाँ। आंटी मैं देख लूंगा, आप कोमल के साथ बैठे। मैं भी मदद कर देती हूँ। आई अम्मी, आराम से, ध्यान से देख के उठे, आराम से बैठ जाए, ध्यान से पकड़ के बैठे। हम बस थोड़ी देर में आते हैं। तो कोमल,
क्या मशाखेल है तुम्हारे? कोई काम करती हो? मेरा बैग्स का बिजनेस है, अपना ब्रांड लॉन्च किया है मैंने और अपना बुटीक भी खोल चुकी हूँ। समझ गई, यानी टाइम पास करती हो, बकायदा कोई काम नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैशन की बकायदा पूरी इंडस्ट्री है। बिल्कुल, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें काम की कोई खास जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो टाइम पास कहा था मैंने। यानी अगर काम नहीं भी चलता होगा तो इससे तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ता होगा? देखिए, मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये औरत यहाँ क्यों आई है? औरत नहीं कहते इसे, इसे अपनी बहन समझे। अच्छा, मैं सिर्फ तुमसे कह रही हूँ, यहाँ इसका क्या काम है आखिर? मुझे बस जल्दी काम करवाना है, कोमल का मुझसे प्यार होना जरूरी है। तुम्हें इस काम के लिए मेरी बहन की जरूरत थी? नहीं, मुझे किसी फैमिली मेंबर की जरूरत थी जो कोमल को पसंद ना करे, क्योंकि खवातीन खुद को बर्तन महसूस करवाना चाहती हैं। अगर उनका साथी उनके लिए कुर्बानी दे, किसी को छोड़ दे उनके लिए, तो उनके दिल में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बेटा तुम तो बहुत ही खतरनाक निकले। मेरे ख्याल से मैं आपको कुछ खास पसंद नहीं आई। देखो कोमल, तुम लोगों का कहना है कि तुम लोग आपस में दोस्त हो। आदिल ने मगर तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाया है, इसका मतलब है तुम खास हो उसके लिए, यानी उसकी राय मुख्तलिफ है तुमसे। आदिल मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा है और वो मेरे बहुत करीब है। मेरी बहन की हालत तो तुम्हारे सामने है, तुम कामयाब हो, मशहूर हो और अमीर भी हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा इकलौता भांजा ऐसे माहौल में बर्बाद हो जाए। देखिए, मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या जानती हैं आप मेरे माहौल के बारे में। जब मैंने तुम्हें इंटरनेट पर सर्च किया तो नतायज कुछ अच्छे नहीं आए। शादीशुदा मर्द, गैर जरूरी तकरीबात, हम जैसे सादा लोग इन सब चीजों से दूर रहते हैं। मगर ये हम आ गए। आसिया जरा मदद कर दीजिए। आदिल में चलती हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, जरूरी काम है मुझे कुछ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखो, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम भी जाओ, हम ठीक हैं। मुझे भी काम है, वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा अम्मी, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इतनी दूर से आने के लिए। अपना ख्याल रखना बेटा। जी बिल्कुल, खुदा हाफिज। आंटी, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कोमल। चलो चले। आज दुआन साहब, ये बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, मैं देख लेता हूं। शुक्रिया। और ये 4 लाख का क्या हिसाब है? कोमल साहिबा ने लिए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोमल, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। हेलो कोमल। बाबा जान, क्या कर रही हो, कहाँ हो अभी? आदिल की अम्मी से मिलने गई थी और अब मैं यहाँ से घर जा रही हूँ, आदिल ऑफिस आ रहा है। तुम अगर यहाँ आ जाती तो हमारी मुलाकात हो जाती। ठीक है, आ जाती हूँ मैं। क्या कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ जाओ यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं भी ऑफिस चल रही हूँ तुम्हारे साथ। दुआन, आपकी मीटिंग 4 बजे की है। क्या क्या कहा? आपकी मीटिंग 4 बजे की है। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा मैं, फिक्र नहीं करो। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ बस कुछ सोच रहा था मैं। क्या क्या सोच रहे हैं? कोमल ने कंपनी से 4 लाख निकाले हैं, बस और कुछ नहीं। तो फिर? मगर उसने कुछ बताया नहीं। दुआन, कोमल ने कब बताया है इससे पहले आपको? उसका जो दिल चाहता है वो वही करती है, इसमें हैरानी क्या है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उसको अचानक इतनी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई। उसने किसी को भेजे भी नहीं, स्टेटमेंट देखी थी मैंने, जरूर वो कुछ छुपा रही है। आखिर किसके लिए उठा सकती है वो ऐसा कदम? हाँ
कहीं खानदान को देने के लिए तो ऐसा नहीं किया? पता नहीं, ये तो खुद कोमल बताएगी। हो सकता है उसे ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने आखिर उस रकम का किया क्या। अगर उसने ये रकम खानदान को दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई और हुआ तो? नहीं दुआन, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम फिक्र मत करो, मैं पता लगा लूंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, गुड लक। ठीक है, शुक्रिया। बस देखते जाओ कि कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्या कर रही हो इतनी देर से तुम यहाँ पर? हाँ, तब्दीलियाँ ला रही हूँ। तो इसका मतलब तुम मेरे भाई को मुकम्मल तौर पर बदलना चाहती हो? हाँ हाँ, ये आलिया का मशवरा। हाँ, देखकर अंदाजा हो रहा है मुझे। हाँ अंदान, मैं तुम्हारे भाई को कारोबारी तौर तरीके सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि कारोबार के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं भी कुछ मदद कर देती हूँ। मैंने एक बहुत ही मशहूर हज्जाम को बुलाया है, वो आता ही होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी खानदान, आलिया पहले इस बारे में सोच चुकी। क्या सोचा इसने? दरअसल बात यह है कि तब्दीली सिर्फ लिबास से नहीं आती। ठीक कहा ना खानदान? तो मतलब तुम सब कुछ सोच चुकी हो? हाँ हाँ, मैं इस बारे में सब कुछ तय कर चुकी हूँ। और तो और मैंने आज एक टीचर भी बुलवाया है जो एंगन को उठने बैठने और बात करने के तौर तरीके सिखाएगा। और कल मैंने इन्हें जिम ज्वाइन करवाने का भी फैसला लिया है खानदान। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम कम वक्त में सही नतीजे तक पहुँच जाएं। ठीक कहा ना मैंने एंगन? आलिया मुझे नहीं लगता कि उठने बैठने के आदाब जानना इतना जरूरी है। जरूरी है एंगन, बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम जब भी कहीं जाओ तो तुम्हारी शख्सियत सबके सामने उभर कर आए, समझे कुछ तुम? यानी हर किसी से मुनफरिद दिखना चाहिए तुम्हें। या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किसी बिजनेसमैन को तैयार कर रहे हैं या किसी मॉडल को तैयार कर रहे हैं। मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं, अब देखना तुम कि तब्दीली किसको कहते हैं। मतीन, कोमल ने कंपनी से कैश क्यों निकाला है, क्या ये पता चल सकता है? मैं कोशिश कर सकता हूँ, अगर उन्होंने किसी और को दी है तो मुश्किल होगा। ये उसी वक्त मालूम कर लेते तो आसान होता। चलो ठीक है, खानदान को देने के लिए तो ऐसा नहीं किया। कोमल की कोई कमजोरी पता चली तो मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर तुम पता लगाओ इस बारे में, मेरे तो दुश्मन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुझे कोमल को अपनी तरफ करना ही होगा। हया साहिबा, कोमल साहिबा ऑफिस आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मतीन, तुम इस मामले को देखो, मैं जब तक कोमल को देखती हूँ। ठीक है। ओके? कोमल, मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ, जब मैं अम्मी को लेकर गया कुछ नहीं हुआ, तुम सच कह रही हो ना? नहीं, सब कुछ ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर चलो मैं अंदर मिलकर आता हूँ। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चलने के लिए। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोमल, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात करनी है हया? कुछ जरूरी बात है। हाँ बताओ, क्या बात है? कोमल, तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे पूछूं कि तुमने पैसे क्यों निकाले। क्या? हाँ, मैं जानती हूँ कि ये बहुत हैरानी की बात है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, कहीं इस बात को लेकर तुम्हारे और बाबा के ताल्लुकात ना खराब हो जाएं। समझ गई, शुक्रिया। कोमल, देखो अगर कोई भी ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा से मैं बात कर लूंगी। हया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी कोई नहीं आ सकता मेरे और बाबा के दरमियान। तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच कोई तलखी हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में तुम्हारे बाबा की खुशी है। चाहे मेरे बारे में कोई भी बात हो, मैं उन्हें सच सच बता देती हूँ और फिर नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहती हूँ मैं। इसीलिए किसी को भी ये मौका नहीं देती कि वो गलत फहमी पैदा करे। और कुछ तो नहीं कहना ना तुम्हें मुझसे? नहीं। अच्छा है, खुदा हाफिज। एक वक्त आएगा जब तुम मेरे आगे पीछे घूमोगी, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। बहुत चालाक समझती हो ना खुद को, सब खत्म हो जाएगा। बाबा जान। तो मेरी बेटी आ गई है। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? ठीक। आदिल के साथ उसकी अम्मी से मिलने चली गई थी, उनकी तबीयत नासाज है। हाँ मैं जानता हूँ। कुछ ज्यादा मुलाकात नहीं हो रही आजकल तुम दोनों की? हाँ कुछ ऐसा ही है, आदिल एक अच्छा लड़का है। हाँ चलो ठीक है फिर।
और काम कैसा चल रहा है? अच्छा, बहुत ही अच्छा। नई कलेक्शन में मुझे और कुंवर को थोड़ी तब्दीलियां करनी है, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो तुम कुंवर के साथ काम कर रही हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुंवर के पास काफी अच्छे आइडियाज होते हैं और मेरी मदद भी करता है वो। और वो लोग रिहा हो गए, पता है आपको? क्या वाकई में? तो तुम जानती हो कि वो लोग रिहा हो गए? जी ऐसा ही है। चलो अच्छा है, तो आलिया और यिल्दिज़ ने पैसों को बंदोबस्त कर ही लिया। या फिर किसी और ने मदद की उनकी इस काम में? सही कह रहा हूँ ना? तो समझ गए आप। तुम्हें क्या लगता है ये बात मुझसे कैसे छुपाई जा सकती थी? जब कुछ गलत होता है तभी तुम कैश निकलवाती हो। मुझे लगा आप गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि एक आलिया का भाई था और दूसरा यिल्दिज़ का दोस्त, और उन दोनों से आप शदीद नफरत करते हैं, जानती हूँ मैं। तो तुमने ये सोचा कि तुम मुझसे ये काम छुप के कर लोगी? तो आपको मुझ पर गुस्सा है? हाँ बिल्कुल। मगर आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी। बाबा माफ कर दे, मुझे तकलीफ में थे वो दोनों और उनके पास जमानत के पैसे नहीं थे, मजबूर थे वो लोग। हाँ मुझे गुस्सा बहुत है, लेकिन तुम पे फख्र भी है बहुत बेटा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तुमने अपने करीबी लोगों की मदद करने के बारे में सोचा, भले इसकी कीमत मुझे अदा करनी पड़ी हो। तो तारीफ की तो हकदार हूँ मैं। मेरी भोली भाली बच्ची। अब तारीफ करें ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। ठीक है कोमल, बहुत अच्छा किया तुमने। मेरे प्यारे बाबा। तुम बहुत ही मासूम हो बेटा। आप बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे? बहुत ज्यादा। मैं भी बहुत करती हूँ। मेरी जान हो तुम। क्या कर रहे हो तुम? अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? आंदन, वो आलिया ने किसी हजाम को बुलाया है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है फिर मैं भी यहाँ रुक जाती हूँ, मैं साथ ही जाऊंगी तुम्हारे। जानते हो ना मेरे पास गाड़ी नहीं है कोई। मेरे पास अभी तक गाड़ी नहीं है कोई। तो तुम कंपनी की गाड़ी ले सकती हो? भाई वो तो बिल्कुल एक आम सी गाड़ी है, वो तो हर आम इंसान इस्तेमाल करता है। अच्छा तो हांदान तुम्हें इंपोर्टेड कार चाहिए या लिमोजिन? तुम्हें घर से ऑफिस आना होता है और ऑफिस से घर जाना होता है, सिर्फ आने जाने के लिए तो चाहिए गाड़ी। हाय तुम्हारी ये छोटी सोच मुझे तो मार ही डालेगी। खैर छोड़ो, आज रात तुम्हें घर आना होगा। वजह? इसलिए कि तुम अभी तक दुआन से नहीं मिले। हम एक फैमिली डिनर करेंगे और दुआन तुम्हारा नया स्टाइल भी देख लेगा। मेरा स्टाइल? हाँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है अगर तुम वहाँ एक अच्छा सूट पहनकर चलो तो वो तुम्हारे लिए और भी अच्छा रहेगा। मतलब अब मुझे तुम्हारे बाद दुआन के लिए भी तैयार होकर चलना होगा? नहीं भाई, तुम मेरे लिए तैयार होकर चलोगे, और बेहतर होगा कि तुम अब इस तरह से रहने की आदत डाल लो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। हाँ ठीक है तुम सोच लो, मगर तुम्हें आना पड़ेगा, इंतजार करूंगी। दौलत शोहरत के दीवाने बस। भाई को दावत में बुलाने के लिए मनाना ही पड़ेगा। जी अम्मी। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ, बाबा से मिलने आई थी और अब घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अब फोन रखो और फौरन अपने मामू को कॉल करो और उनसे कहो कि आज रात हम खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैं उन्हें क्यों कॉल करूँ? क्या मतलब कॉल क्यों करूँ? वो मेरा भाई है, कितना याद करती थी मैं उसे। मैं चाहती हूँ कि ये सालों की दूरी अब खत्म हो जाए। अम्मी कम से कम मुझसे तो झूठ ना बोले प्लीज। कोमल आखिर एक कॉल करने से क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? ठीक है करती हूँ, मैं करती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बाय। चलो अब शाबाश, इसी तरह साथ मिलके खेलना चाहिए। ये बॉक्स कहाँ जा रहा है? देखो देखो यिल्दिज़, ये कहाँ जा रहा है? मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी, तुम लोगों को देखकर रहा नहीं जा रहा मुझसे। ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप एक बार हमें बता दीजिए आखिर हमारी जमानत किसने करवाई है, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या किसने करवाई? ठीक है भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। क्या बात है कुंवर? कोमल ने करवाई है हमारी जमानत। कुंवर ये तुम क्या कह रहे हो यार? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, जबकि मैं उससे मिलने भी गया था उस वक्त भी उसने ये बात जाहिर नहीं की। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि उसने हमारी जमानत करवाई है। हाँ मुझे भी, और खुशी भी हो रही है इस बात की। वैसे एक बात बताऊं, शायद कोमल को प्यार हो गया। क्या हो गया? कैसा प्यार? जानते हो ना मैंने उसकी मदद की थी, शायद उसी का एहसान उतारा है। यार कोई ऐसे ही पैसे नहीं दे देता है किसी को, और हाँ उसने तो अपना नाम भी खुफिया रखा, खुफिया मोहब्बत।
कैसी बातें करते हो यार तुम आमिर, क्या हो गया है तुम्हें? कोमल कहाँ, मैं कहाँ? बात तो सुनो मेरी, वो जानती है कि खूबसूरत नौजवान धोखा देते हैं, उसे सिर्फ काबिल एतमाद शख्स की तलाश है। शुक्रिया आमिर ये बताने के लिए कि मैं खूबसूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। छोड़ो ये सब, ये बताओ कि अब क्या करोगे? और क्या करूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूंगा जाकर? मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जाओ और उसके पास जाकर अपनी दिल की बातें करो। तुम जानते नहीं कि इतनी हसीन लड़की की नजर तुम पर है, जाकर छेड़छाड़ करो, कुछ इशारा दो उसे। कैसी छेड़छाड़, कैसे इशारे, क्या बोल रहे हो तुम ये? अगर वो मुझसे प्यार करती तो मैं ऐसा इजहार करता कि सब देखते रह जाते, मगर तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नफसियाती मसला है। नहीं देखो ऐसा मत कहो तुम मुझे। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझा ही नहीं पा रहा। मुझे समझना ही नहीं है। आलिया आपा से बात करनी पड़ेगी। यानी मेरी इतनी समझदार बेटी की अकल तो देखो, केस ने पेपर पर साइन करने का सोच लिया ताकि उसे ये पेपर्स देकर अपनी जान छुड़ा ली जाए। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब क्या ये सच है? यही सच है, पूछ के बैठे हैं हम। मैंने बस वही किया जो मुझे ठीक लगा। ज़ैनब तुम उस इंसान को अब भी चाहो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा हमने। अब मेरी बात गौर से सुनो, उससे अब बस पैसों का मुतालबा करोगी बेटा। तुम हम माली तौर पर बहुत परेशान हैं। माली मामलात में माहिर हूँ मैं, इसलिए हल पेश कर रही हूँ। दरअसल अम्मी के कहने का मतलब है कि हमने इससे भी मुश्किल हालात देखे हैं, तो इससे भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ैनब अपना दिमाग इस्तेमाल करो प्लीज, ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, बता रही हूँ। लेकिन पैसा तो मिलेगा ना? देखो ज़ैनब, उस आदमी ने तुम्हें धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया, उसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो इसलिए क्या तुम उससे बदला लेना नहीं चाहोगी? जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की है तुमने यिल्दिज़, बहुत खूब। शुक्रिया मेरी जान। मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं उससे बहुत टूट चुकी हूँ, लेकिन बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें देखो, हम लोग भी तो बहुत परेशान हैं। इस घर में कितने सारे लोग रह रहे हैं, अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं तो हमारे बारे में सोच लो ज़ैनब। देखो ज़ैनब, ये तो मुझे पता है कि तुम्हें सिफात हर जगह ढूंढ रहा होगा इस वक्त यकीनन, और ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द उसे हम सब के बारे में मालूम भी हो जाए। हाँ लेकिन वो आदमी जो अपनी बीवी से जान छुड़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है, और उसकी ये कोशिश ही हमें हमारे मकसद में कामयाब कर सकती है। थोड़ी हिम्मत करो ज़ैनब, उसे अपने इशारों पर नचाना है तुमने। अच्छा ठीक है, आप लोग जो भी चाहते हैं अब मैं वही करूंगी। हाँ ये हुई ना बात ज़ैनब। आ मेरी प्यारी बच्ची, बहुत समझदार हो तुम। अब मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा फोन कहाँ है? सिफात को कॉल मिलाओ अभी, उससे कहो कि तुम उससे मिलना चाहती हो। तलाक से पहले उससे सिर्फ इतना कहना है कि तुम सिर्फ एक ही शर्त पर कागजात पर दस्तखत करोगी, अगर वो इसके बदले तुम्हें एक भारी रकम देने के लिए तैयार हो जाए, और अगर तुम इसमें कामयाब हो जाती हो तो समझो सब कुछ खत्म हो गया। अगर वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है तो तुम भी उसके साथ खेल खेलो और पैसे निकलवाओ उससे। मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरा फोन बंद है, क्या पता कॉल की हो उसने, बात करती हूँ जाकर उससे। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम जाओ और हमें खबर करते रहना बस, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं जरा कुंवर को देख के आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ और उससे कहना कि खाने के लिए नीचे आ जाए। ठीक है। हाँ आयशा बात सुनो। आपा मैं आप ही के पास आ रहा था। क्यों क्या हुआ? घर में इतना रश लगा हुआ है, अकेले रहने का मौका नहीं मिल रहा, मुझे आपसे बात करनी है। मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है? ओके ठीक है। आपा क्या हुआ है कुंवर? हमारी जमानत कोमल ने करवाई है। क्या कोमल? मतलब अपनी कोमल? नहीं पुलिस वालों ने, उन्हें लगा इतने शरीफ बच्चे तो जुर्म कर ही नहीं सकते, उन्हें हम पर रहम आया और छोड़ दिया। और कितनी कोमल है हमारी जिंदगी में आपा। आ, आ, तो ये सब कोमल ने किया है, अपनी कोमल ने। हाँ और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं जबकि मैं मिला भी था उससे। बस करो अब, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। अच्छा क्या करूँ अब, बता दूँ मुझे मालूम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोमल को देखो, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है मैं भी यही कह रहा हूँ, अच्छी लड़की है, लेकिन पता है क्या, कोमल पे की हुई मेहनत का फल समझो अब हमें मिलना शुरू हो गया है कुंवर। क्या आपा, कैसी मेहनत, कैसा फल? मैंने बिला वजह तुमसे नहीं कहा था कि तुम कोमल के साथ अच्छे लगोगे, देखा तुमने, वो भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जज्बात तो रखती है कुंवर। क्या हो गया आपको आपा? अगर उसने मेरी जमानत करा दी इसका मतलब है उसके दिल में मेरे लिए कुछ है? ऐसा ही है बिल्कुल मेरे भाई। अब देखो ना हुआ क्या, कोमल से बनाकर रखने का कितना फायदा हुआ और नतीजा भी देख लिया तुमने। कोमल ने ये करके साबित कर दिया कि कोई तो खासियत है मेरे भाई में, क्या ख्याल है तुम्हारा? पता नहीं बात है या नहीं, लेकिन उसने हैरान तो कर दिया मुझे, अब समझ नहीं आ रहा क्या। एक काम करो तुम, एक अच्छा सा तोहफा ले लो उसके लिए,
तोहफा, लेकिन मुझे तो ये बात नहीं बतानी ना उसे। कौन बता रहा है, बस ये कहना कि तुमने मेरा साथ दिया, मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ खड़ी रही, तुम्हारे होने से मुझे खुशी मिलती है। दरअसल लड़कियां ऐसी ही बातें पसंद करती हैं। आप अब मैं उसे बता देता हूँ कि मुझे मालूम हो गया है और अब समझ नहीं आ रहा कि ये एहसान कैसे उतारूं मैं। ऐसा नहीं करोगे तुम, जाओ जाकर उससे इजहार करो और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो उससे। एक बात याद रखना कुंवर, औरतों को हर वक्त खामोश रहने वाले मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। आपा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, औरतों को ईमानदार लोग पसंद है। खैर, आपको ये बात नहीं समझ आएगी कि कोमल और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। छुपाओ मत मुझसे, अगर तुम कोमल से मोहब्बत करते हो तो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करो, क्या समझे? आपको भी समझाना मुश्किल हो गया, क्या करूं मैं अब यार। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें, सिर्फ तोहफा ले लो उसके लिए जाकर, ठीक है? ठीक है आपा, समझ गया, ले लूंगा। मेरा प्यारा भाई, चलो खाना खाते। एंगल, हेलो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, खुशामदीद। एक मुद्दत हुई मिले हुए। हाँ बिल्कुल। अच्छा लगा। हेलो, मैं हया। और मैं एंगन। अच्छा लगा मिलके। कोमल, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आपका स्टाइल तो काफी बदल गया है। आखिरकार औरतों के साथ काम कर रहा हूँ, उसी का नतीजा है। मैंने और आलिया ने भाई के साथ काम करना शुरू कर दिया है। जानती हो ना, हमें अपने ही बिजनेस से बेदखल कर दिया गया है। तो ऐसा है, तो फिर मेरा मशवरा है कि अपने अखराजात पर नजर रखना, कहीं तुम्हें भी मेरी तरह कोई मुश्किल ना हो जाए। सर, खाना तैयार है। आ जाए। आइए प्लीज। शुरू कीजिए। एंगन साहब, मुझे लगता है आप और हानदान काफी अरसे से एक दूसरे से नहीं मिले थे। ऐसा ही है, हम काफी अरसे नहीं मिल सके। हाँ, हम लोग इसलिए नहीं मिल सके थे क्योंकि मैं यूके में रहती थी। तो क्या हुआ, बाहर रहने का ये मतलब तो नहीं कि आप एक दूसरे की खैर खबर ना ले? क्योंकि अब तो चैट और वीडियो कॉल पर भी बात हो सकती है। खैर, अब ऐसा नहीं होता, हम लोग मिलते रहते हैं। भाई बहन का साथ होना बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा फैसला है। बहुत, मेरे भाई ने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। इसने अपनी कंपनी के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए और मेरे भाई ने मुझसे ये भी कहा कि तुम गाड़ी के लिए परेशान ना हो, तुम्हें वो मिल जाएगी। गाड़ी के अलावा तो खानदान साहिबा कोई और बात ही नहीं करती। तो अब जब तुम अपने भाई के साथ काम कर रही हो तो वो नई गाड़ी भी देगा ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल, वादा किया है इसने। खानदान, लेकिन जो गाड़ी मैंने तुम्हें दिखाई वो तो तुम्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं आई। भाई, ये बात किसी और वक्त कर ले तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा? दर हकीकत मैं ऐशोशरत के सब मुखालिफ हूँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, 100% दुरुस्त कहा है आपने। हाँ बिल्कुल, और हाँ, ये आलिया और खानदान के साथ काम करना बिल्कुल आसान मत समझना तुम, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें। बाबा की बात समझ रहे हैं ना आप, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दें वरना सब कुछ बर्बाद कर देंगी। कोमल, अब तुम भी इस तरह की बात करोगी? गाड़ी कोई आसाइश थोड़ी है, आसाइश में तो हेलीकॉप्टर और जहाज आते हैं। अब तुम ही फैसला कर लो क्या दिलाओगे। क्या कहा? मैंने कहा था तुमसे, बस मेरी भूख खत्म हो गई। अरे छोड़ो, तुम अपना खाना खत्म करो।